नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। शंकराचार्य किस मत से हैं? ठीक है, ऑप्शन ए अद्वैत दर्शन, ऑप्शन बी सांख्य दर्शन, ऑप्शन सी न्याय दर्शन, ऑप्शन डी धर्म दर्शन। चलिए 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखेंगे सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है अद्वैत दर्शन। अद्वैतवाद वेदांत के सबसे प्रभावशाली अंगों में से एक है। इसका प्रतिपादन ब्रह्म सूत्र में वादरायण ने किया था। इसका मूल मंत्र अहम् ब्रह्मास्मि है। शंकराचार्य इसी से संबंधित थे। आप वीडियो पॉज करके एक्सप्लेनेशन दोबारा से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की? ऑप्शन ए विशाखदत्त, ऑप्शन बी दंडन, ऑप्शन सी भैरवी, ऑप्शन डी कालिदास। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। ऑप्शन ए विशाख दत्त। देवी चंद्रगुप्तम की रचना विशाख दत्त ने की थी। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा शक राज के वध, निर्बल रामगुप्त की हत्या और ध्रुव स्वामिनी से विवाह पर आधारित है। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके एक्सप्लेनेशन फिर से पढ़ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक को राज प्राप्त करने में किसने सहयोग दिया? ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी राधागुप्त, ऑप्शन सी तिस्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर, सही उत्तर कमेंट करिए, फिर देखेंगे सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन बी राधा गुप्त। राधा गुप्त चाणक्य का शिष्य और बिंदुसार का प्रधानमंत्री था। उसने अशोक को राज्य दिलाने में मदद की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म सूत्र किसका भाग है? ऑप्शन ए न्याय, ऑप्शन बी वेदांत, ऑप्शन सी व्याकरण, ऑप्शन डी ज्योतिष। चलिए 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन बी वेदांत। वेदांत के 3 मुख्य स्तंभ हैं, उपनिषद, भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र की रचना बादरायण ने की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सीलोन में बौद्ध धर्म का कौन सा मत विकसित हुआ? ऑप्शन ए हीनयान, ऑप्शन बी महायान, ऑप्शन सी महेंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है।
चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन ए हीनयन। सीलोन श्रीलंका का प्राचीन नाम था। यहाँ हीनयन अधिक विकसित था। हीनयन संप्रदाय के लोग परिवर्तन अथवा सुधार के विरोधी थे। ये बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों का ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते थे। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सेन वंश का प्रथम शक्तिशाली सम्राट था। ऑप्शन ए बल्लाल सेन, ऑप्शन बी विजय सेन, ऑप्शन सी सामंत सेन, ऑप्शन डी विक्रम सेन। चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही ऑप्शन के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी सामंत सेन। सेन वंश बंगाल का एक वंश था। इसकी स्थापना राड में की गई थी। सामंत सेन इस वंश का शक्तिशाली राजा था। ठीक है अगला क्वेश्चन। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी नेमिनाथ, ऑप्शन डी संभवनाथ। ठीक है 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही ऑप्शन, कमेंट करिए सही उत्तर, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। वो अयोध्या के क्षत्रिय इक्ष्वाकु वंश से थे। उनके माता पिता का नाम भागवत पुराण में है। ठीक है आप एक्सप्लेनेशन दोबारा पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बी ए स्मिथ ने किस भारतीय राजा को भारत का नेपोलियन कहा है। ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही ऑप्शन के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्तकालीन एक महान राजा था जिसने 335 से 375 ईस्वी तक राज्य किया। समुद्रगुप्त ने अपने जीवन में बहुत युद्ध लड़े और एक में भी पराजित नहीं हुआ। इसी कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वीडियो पॉज करके एक्सप्लेनेशन आप दोबारा पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मौर्य काल में संहर्ता का क्या कार्य था। ठीक है ऑप्शन ए राजस्व वसूली, ऑप्शन बी न्यायाधीश, ऑप्शन सी सेनापति, ऑप्शन डी न्याय देना। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन ए राजस्व वसूली। मौर्य काल में संहर्ता उसे कहा जाता था जो राजस्व की वसूली करता था। ठीक है अगला क्वेश्चन। निम्न में
कौन सा वेदांग नहीं है? ऑप्शन ए कल्प, ऑप्शन बी सांख्य, ऑप्शन सी निरुक्त, ऑप्शन डी छंद। 10 सेकेंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखेंगे सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी सांख्य। वेदों का अर्थ समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। इनकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। सांख्य एक दर्शन है जिसकी रचना कपिल मुनि ने की। ठीक है, तो चलिए 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं हमारे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।